नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सेंसस की शीर्ष 10 कंपनियों में से 5 का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह के दौरान 35,503 करोड़ रुपए बढ़ गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाजार पूंजीकरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों ने इस साल फरवरी महीने में भारतीय शेयर बाजारों में करीब 17,220 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। यह निवेश नवंबर 2017 के बाद सबसे अधिक है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर 2017 में भारतीय शेयर बाजारों में 19,728 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बहुत बड़ा झटका देते हुए कहा है कि भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल करता है, जबकि हम उससे किसी तरह का टैरिफ नहीं वसूलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत को भी अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए टैरिफ देना होगा। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच 10 नई उड़ानों की शुरुआत की घोषणा की है। एयरलाइन की तरफ से बयान जारी कर बताया कि 8 फ्लाइट का परिचालन ग्वालियर से देश के विभिन्न शहरों के बीच किया जाएगा, वहीं 2 का परिचालन भोपाल उदयपुर मार्ग पर किया जाएगा। ऑटो कंपनियां मारुति सुजुकी इंडिया, होंडा कोर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स की वाहन बिक्री में फरवरी में इजाफा देखा गया है। ग्राहकों की धारणा के बेहतर होने से कंपनियों की बिक्री में यह बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ये मिस्ट्री के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।